ये स्टार्ट करते हैं आज के क्लास। और आज के क्लास का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कल हमने जो क्वेश्चन दिया था वो आपके टेलीग्राम पे पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए पद्धति विकास करने के लिए किस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है? ऑप्शन ए है हसमुख दहिया, ऑप्शन बी है एन के सिंह, ऑप्शन सी हीरा लाल समलिया, ऑप्शन डी अनूप सतपथी। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन? प्लीज गिव मी राइट आंसर। यस सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनूप सतपथी। चलिए चलते अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए गठित कमेटी ने कितनी राशि की राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने की सिफारिश की है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 550 रुपये, ऑप्शन बी 375 रुपये, ऑप्शन सी 575 रुपये, ऑप्शन डी 250 रुपये। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? कमेंट टू द राइट आंसर। व्हाट इज द राइट आंसर दिस? ऑप्शन नंबर बी 375 रुपये देंगे। चेक द आंसर, 375 रुपये देंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। और अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, हाल में किस राज्य में सुवर्ण रेखा बंदरगाह के निर्माण की नींव रखी गई? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। यू कैन कमेंट इट्स राइट आंसर राइट टुडे। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा। चेक द आंसर, उड़ीसा। चलिए चलते अगले क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन रहा, राज्यसभा से 14 फरवरी 2019 को पारित विधेयक में किस बीमारी को तलाक के लिए आधार के रूप में इस्तेमाल करने वाली व्यवस्था को हटा दिया गया? ऑप्शन ए है एड्स, ऑप्शन बी कैंसर, ऑप्शन सी कुष्ठ रोग, ऑप्शन डी फाइलेरिया। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी कुष्ठ रोग। चेक द आंसर, कुष्ठ रोग। चलिए चलते अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन रहा, हाल ही में किस राज्य में हेबियस लैक्रिमा नामक की रोने वाली कील में सांप प्रजाति की खोज की गई है? व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? ऑप्शन ए है नागालैंड, ऑप्शन सी बी केरल, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? सो फ्रेंड्स, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, सकल घरेलू ज्ञान संबंधी यानी GDP ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट के प्रणेता कौन है? ऑप्शन ए है थॉमस पिकेटी, ऑप्शन बी है जीन टिकोले, ऑप्शन सी है एस्थर डब्लो, ऑप्शन डी उम्बर्टो सुल्पास। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? सो फ्रेंड्स, सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP के जो प्रणेता है, ऑप्शन नंबर डी उम्बर्टो सुल्पासो है। यस सर, इसका राइट आंसर। चलिए चलते अगले क्वेश्चन को। और अगला क्वेश्चन रहा, केंद्र सरकार के मुताबिक वर्ष 2017-18 में भारत में कुल ऊर्जा उत्पादन में परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी कितनी थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2.3%, ऑप्शन बी 2.56%, ऑप्शन सी 1.98%, ऑप्शन डी 2.93%। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 2.93%। चलिए अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है, विश्व शासन सम्मेलन WGS 2019 कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी दोहा, ऑप्शन डी है दुबई। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी दुबई। इसका सॉल्यूशन भी देख लीजिए।
अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य निर्माण हेतु नदी के रेत के विकल्प के रूप में एम सैंड को बढ़ावा दे रहा है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरल। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, प्रधानमंत्री ने 12 फरवरी 2019 को किस जिले में श्रीकृष्ण आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? ऑप्शन ए है वृंदावन, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन डी है मेरठ। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कुरुक्षेत्र। अगला क्वेश्चन, गृह युद्ध से ग्रस्त बागोज क्षेत्र किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए सीरिया, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी मिस्र, ऑप्शन डी यमन। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है सीरिया। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी को किस जिले में क्रेडाई यूथ कॉन 2019 को संबोधित किया? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी बॉम्बे। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन ICD के मुताबिक मानव और मशीन के बीच संघर्ष में रोजगार में कितने नए अवसर सृजित होंगे? ऑप्शन ए 121 मिलियन, ऑप्शन ए बी 105 मिलियन, ऑप्शन सी 133 मिलियन, ऑप्शन डी 208 मिलियन। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? सो फ्रेंड्स, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 133 मिलियन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए मामले में सार्वजनिक क्षेत्र में किस उपक्रम को मिनी रत्न श्रेणी में विजेता घोषित किया गया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए HNPC, ऑप्शन बी MMTC, ऑप्शन सी है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी है NFDC। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी NFDC। अगला क्वेश्चन है, चमन परियोजना भारत में किस क्षेत्र में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के रूप में द्रव उपयोग का उदाहरण है? ऑप्शन ए चक्रवात, ऑप्शन बी दूर चिकित्सा, ऑप्शन सी ऑनलाइन शिक्षा, ऑप्शन डी है बागवानी। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बागवानी, गार्डनर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जगह पर श्री नारायण गुरुधार आध्यात्मिक तीर्थ सर्किट का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए है अट्टापैती गांव, ऑप्शन बी तिरधला गांव, ऑप्शन सी है नीलांबर गांव, ऑप्शन डी है वर्कला। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वर्कला। अगला क्वेश्चन, विश्व रेडियो दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 10 फरवरी, ऑप्शन बी है 11 फरवरी, ऑप्शन सी है 12 फरवरी, ऑप्शन डी है 13। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 13 फरवरी को रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस देश को 19 फरवरी 2019 को चूहा जैसा ब्रैम्बल के मेलोमेश को आधिकारिक रूप से विलुप्त होने की घोषणा की, जो मानव जनित जलवायु परिवर्तन के कारण प्रथम विलुप्त स्तनधारी है? ऑप्शन ए बी ब्राजील, ऑप्शन डी है आयरलैंड, ऑप्शन सी मैक्सिको, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रेंड्स, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया सरकार ने 19 फरवरी 2019 को आधिकारिक रूप से इस चीज की घोषणा की। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। और अगला क्वेश्चन है, नई राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति 2019 के तहत वर्ष 2025 तक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एवं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कितना टर्नओवर का लक्ष्य रखा हुआ है? ऑप्शन ए है $200 ट्रिलियन, $200 अरब, ऑप्शन बी है $300 अरब, ऑप्शन सी है $400 अरब, ऑप्शन डी है $500 अरब।
व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चार्फर. सोल्यूशन इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड के तहत किस क्लास से सरकारी सरकारी मदद प्राप्त स्कूलों में डिजिटल बोर्ड उपलब्ध कराया जाएगा. ऑप्शन ए है वर्ग 6, ऑप्शन बी वर्ग 5, ऑप्शन सी है वर्ग 9, ऑप्शन डी है वर्ग 10. व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन. सो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्ग 9. सोल्यूशन इज सी. फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 20 फरवरी 2019 को किस विश्वविद्यालय के साथ वानिकी विज्ञान पर समझौता किया है. ऑप्शन ए हार्वर्ड विद्यालय, ऑप्शन बी है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, ऑप्शन डी है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी. फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया. दूसरा आंसर है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 20 फरवरी 2019 को नई दिल्ली में ऊर्जा एवं पर्यावरण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रदर्शनी चुनौतियों पर क्यों अवसर का उद्घाटन किया है. ऑप्शन ए है राष्ट्रपति श्री राम कोविंद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति वेंकैया नायडू, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी है केंद्रीय मंत्री हर्ष वर्धन. व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो फ्रेंड सोल्यूशन इज ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद. अगला क्वेश्चन, कृषि विज्ञान कांग्रेस कहाँ आयोजन किया. ऑप्शन ए करनाल, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी इलाहाबाद. व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली. अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने किस जगह पर एयरो इंडिया 2019 का उद्घाटन किया है. आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है चेन्नई, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी अहमदाबाद. सो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु. फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने 19 फरवरी 2019 को स्वायत्त नाम का पहला शुभारंभ किया. ऑप्शन ए केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ऑप्शन सी केंद्रीय गृह मंत्रालय, ऑप्शन डी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय. फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय. फ्रेंड्स इसमें क्या है कि डबल डबल टिक लग गए हैं ग्रीन वाले, तो आप इसका राइट आंसर अपने हिसाब से ही बताइए. फ्रेंड्स इसका सोल्यूशन है ऑप्शन नंबर डी. अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने 2019 फरवरी को किस जगह पर मान महल में वर्चुअल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किया. ऑप्शन ए है वाराणसी, ऑप्शन बी फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन सी है उदयपुर, ऑप्शन डी है जबलपुर. व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो फ्रेंड चेक द आंसर, ऑप्शन नंबर ए वाराणसी. सोल्यूशन इज ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, रूफटॉप सोलर प्रोग्राम के दूसरे चरण में वर्ष 2022 तक ग्रिड से जुड़े कितनी संचयी क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है. आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 25,000 मेगावाट, ऑप्शन बी 35,000 मेगावाट, ऑप्शन सी है 40,000 मेगावाट, ऑप्शन डी है 50,000 मेगावाट. व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 40,000 मेगावाट. इसका सोल्यूशन है ऑप्शन नंबर सी. अगला क्वेश्चन है, कार्ल लेगरफेल्ड जिनका 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है वो कौन थे. ऑप्शन ए है अंतरिक्ष यात्री, ऑप्शन बी है पॉप गायक, ऑप्शन सी लेखक, ऑप्शन डी है फैशन डिजाइनर. फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फैशन डिजाइनर. अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का एकमात्र ओरंगुटान बिन्नी विगत एक वर्ष से बीमार है. यह ओरंगुटान भारत में किस प्राणी उद्यान में रह रहा है.
ऑप्शन ए है नेहरू प्राणी उद्यान हैदराबाद, ऑप्शन बी है अलीपुर प्राणी उद्यान कोलकाता, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी है नंदन कानन प्राणी उद्यान भुवनेश्वर। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नंदन कानन प्राणी उद्यान भुवनेश्वर। अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस देश में गोरिल्ला वर्षा के पूर्वानुमान के लिए नई प्रणाली विकास करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी ब्राजील, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जापान। फ्रेंड्स, आपको हमारी क्लास कैसी लगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, हम आज की क्लास को यही एंड करते हैं और कल अगले क्लास वो हमारा पीपीटी में होगा। आज हम पीडीएफ फॉर्म में लाए हैं, तो पीपीटी उपलब्ध नहीं था। तो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।